बिहार के बाद अब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। खबर है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन टूट सकता है। सूत्रों के हवाले खबर मिल रही है कि आरएलडी विधायक दिल्ली बुलाए गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद आरएलडी के विधायक जल्द ही दिल्ली जाएंगे, जहां आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी उनसे बैठक कर चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। वहीं सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के आरएलडी के कैराना, मथुरा, बागपन, अमरोहा और मुजफ्फरपुर नगर सीट की मांग की है। बीजेपी और आरएलडी का मथुरा और मुजफ्फरपुर सीट पर पेंच सुलझते ही गठबंधन का आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है। हालांकि बीजेपी 3 सीटें आरएलडी को देने को तैयार है। बीजेपी आरएलडी को करैना, बागपत और अमरोहा देने को तैयार है, लेकिन इसके अलावा आरएलडी को निगम, बोर्ड, आयोग और मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि इस बात पर सपा से बिगड़ती लगातार बातें नजर आ रही। वहीं कहा जा रहा है कि आरएलडी की सपा से मुजफ्फरपुर नगर, कैराना और बिजनौर सीट पर बात उलझी थी। सपा कैराना, मुजफ्फरपुर और बागपत पे अपने प्रत्याशी आरएलडी के सिब्बल को उतारने की बात कर रही थी। इसी बात पर दोनों के बीच बात बिगड़ती नजर आई। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से रालोद को 7 सीटें देने की बात कही गई। हालांकि वे सीटें कौन सी हैं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। रालोद में इस बात को लेकर नाराजगी दिखने लगी है और देखने को लगातार मिल भी रही है कि रालोद ने बीजेपी से गठबंधन किया, खंडन किया। इस बात को लेकर बीजेपी गठबंधन को लेकर रालोद की तरफ से खंडन भी का आरोप है। बता दें कि रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित झनखड़ ने वीडियो मैसेज जारी कर कहा कि बीजेपी से गठबंधन की अफवाह है। उन्होंने कहा कि रालोद बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। इंडिया गठबंधन के तय सीट को तय माना जा रहा है। उस गठबंधन की तरह रालोद चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर लगातार अटकलें उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है। दर्शकों बता दें कि जिस प्रकार से लगातार इंडिया गठबंधन की टूट की खबरें आई और ये बताया गया कि इंडिया गठबंधन टूट सकता है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में झड़प हो गई और उसके बाद एक के बाद एक नेता इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ते गए और दूसरी पार्टियों में शामिल होते गए। लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश जहाँ पर ज़्यादा वोट बैंक जीत के लिए रखा हुआ है, वहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और ऐसे में खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी गठबंधन टूट सकता है। लेकिन यहां पर उस खबरों को लेकर तमाम नेता अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए, लेकिन अभी भी इंडिया गठबंधन की टूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और बताया जा रहा है कि कभी भी इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट सकता है।